What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 20 फरवरी 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:17 हो रहे हैं। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल छुट्टी है, एक लंबा वीकेंड है, तो आज मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकता है। लोग ओवरनाइट ज्यादा 3 दिन के ओवरनाइट पोजीशन नहीं बनाते, तो हो सकता है आज काफी पोजिशंस भी कट हो सकते हैं, तो वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है आज के लिए वो आइडेंटिफाई करेंगे। ये पिक्चर है कल का, यानी 19 फरवरी आफ्टर मार्केट आवर्स, ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। डेली चार्ट में हमने देखा था कि डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि बुलिश सेंटिमेंट्स दिखाता है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो कल हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था 12,029, इसके ऊपर, यानी सेकेंड टारगेट जो हमने एनालिसिस किया था, इसके ऊपर भी निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ पर इनिशियली कोई यहाँ पर ट्रेंड नहीं बनता, और मार्केट भी देखे तो ऊपरी लेवल पे एक करेक्टिव मोड में भी आ रहा था, और बाद में इसने बुलिश, ये जो बुलिश पैटर्न था, जो गैप अप ओपन हुआ था, ये कंटिन्यू देखने को मिला। तो कल के मार्केट में काफी मुश्किल था ट्रेड करना, तो एज पर ये हमारा जो प्री मार्केट प्लान है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हालांकि जो लेवल्स हमने कल एनालिसिस किए थे, वहां पर ये एग्जैक्ट इसने सपोर्ट भी टेस्ट किया था और फिर बाउंस बैक दिखाया था, तो लेवल्स तो काफी एक्यूरेट साबित हो रहे, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद काफी मुश्किल होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करना काफी मुश्किल होता है। सो जो फ्रेशर्स है, जो बिगिनर्स है, लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है काफी, तो वो लोग अवॉइड करें जब भी गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, जस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करें मार्केट को कैसा बिहेव करता है। तो चलते आज क्या होगा निफ्टी में, क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के भी हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट में भी तेजी देखने को मिली, नाज़दा करीब 84 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो सभी कल हरे निशान में बंद हुए थे, और आज एशियाई मार्केट ओपन हो चुके, तो एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा दबाव में देखने को मिल रहा है, 49 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, और चाइना मार्केट में भी हल्की सी कमजोरी इस समय देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर देखे तो 51 पॉइंट की अभी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, तो ओवरऑल अभी एशियाई बाजार के अनुसार थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट्स में भी। चलते हैं निफ्टी की चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यहाँ पर ड्रॉ किया था, तो इसका जो अभी 38.2% का लेवल है 12,126, इसी के पास कल ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल के पास ये क्लोज हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से हमें फिर से एक बार थोड़ा सा, आज जो वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिले। इस लेवल के ऊपर अगर ये क्लोज मिलता है, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनता है आज, तो हमें 12,284 के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। हमने देखा 20 EMA को इसने अच्छा खासा सपोर्ट टेस्ट किया, यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है 11,900 से, तो ये 20 EMA एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वीकली चार्ट में ये अभी भी 20 EMA के ऊपर है, लेकिन अगर डेली चार्ट में देखें तो ये 20, 50 और 100 को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 100 EMA के पास इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट परसों के दिन टेस्ट करके एक हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म किया, जो कि एक बुलिश, एक बाउंस बैक हो सकता है, इसका सिग्नल हमें देता है। तो कल हमने देखा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर के स्तर पे एक साइडवेज पैटर्न खास करके दिखा रहा था, और ऊपर यहाँ ओपन हुआ था, इसी के ऊपर आकर क्लोज हुआ है। तो अभी यहाँ पर फिलहाल ये एज पर वीकली चार्ट जो हमने स्विंग हाई लो को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, इसका 38.2% का लेवल 12,126 के पास आ रहा था, यहाँ पर ही एग्जैक्ट ये कल क्लोज हुआ है, तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनता है, तो और भी ऊपर के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। तो अभी ये हमने वीकली चार्ट में इसे ड्रॉ किया था, अभी डेली चार्ट का अगर स्विंग हाई लो पकड़े ये और ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,150 के पास ये आ रहा है, तो यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 12,150 एक हर्डल हो सकता है, और नीचे की तरफ आते वक्त अभी फिर से 20 और 50 EMA, ये जो दो मूविंग एवरेजेस है, ये अराउंड 12,060 और 80 के पास आ रहे हैं,
तो 12,050 के यहाँ पर है, कभी सपोर्ट फिर से ये टेस्ट कर सकते हैं। तो मार्केट हमेशा ये ऐसे अप एंड डाउन्स पैटर्न बना के चलता है। तो अभी यहाँ से आज थोड़ा करेक्शन आता है, वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट टेस्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर जाए। लास्ट डे है वीक का, तो हो सकता है ओवरनाइट पोजीशंस भी ट्रेडर्स जो है वो नहीं रखते हैं ज़्यादा कर तीन दिन के लिए, तो हो सकता है यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। 60 मिनट के चार्ट में आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये कल का आर्ली चार्ट का सिनेरियो है। तो अगर कल के हाई के ऊपर निफ्टी इंडेक्स, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट में यहाँ से ये जब फॉल आया था तभी इसने यहाँ पर एक पॉज लिया था, बाद में फिर एक बाउंस बैक दिखाया था। तो ये जो लेवल पास्ट में सपोर्ट का काम कर सकता है, ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इस लेवल के ऊपर अगर कंफर्टेबली चला जाता है तो ही हम यहाँ पर आज इंट्राडे के लिए बाय पोजिशन बना सकते हैं। तो हम इसे आज के लिए मार्क कर देते हैं एज ब्रेकआउट लेवल। तो यहाँ पर लिख देते ब्रेकआउट लेवल, तो 12,139 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा, और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 12,159 है, और उसके बाद सेकेंड टारगेट होगा 12,181, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है, जैसे कि अभी आज ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है 12,100, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। देख सकते हैं पास्ट में इसने यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया है ये यहाँ पर, तो अभी हो सकता है फिर से एक बार इस लेवल को सपोर्ट टेस्ट करे और बाउंस बैक दिखाए। तो ये लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, तो ये हमारा आज के लिए बन सकता है ब्रेक डाउन लेवल। मार्क कर देते हैं इसे एज अ ब्रेक डाउन लेवल, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये मूविंग एवरेजेस का 100 EMA का ये जो लाइन है ग्रे लाइन 12,085, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 12,067 के पास है, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस YouTube चैनल को जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।